Assalamu alaikum and good morning from the Gaddafi Stadium on the morning of the fourth one day international between Pakistan and India, and the news of immediate interest is we do have a match. That's obvious that Sirikanth has won the toss. He's absolutely delighted, and it's also obvious that he is going to put Pakistan into bat. So that's the news here, is that we had a delayed start, but only of half an hour, and it's going to be a 40 over match. In some of the build-up of the crowd, I have no doubt that this is going to be a capacity crowd. These are the two teams, and the first ball then coming up, Prabhakar to Shaw. Well, that's swung in. Yes. True. Shoaib going forward. That one jumped. Wow, wow. It's going to be fun and games. Wow. So India won the toss, put Pakistan into bat in the first three deliveries that we've seen. Prabhakar bang on target. They come with his vice captain Shastri. Two fielders close to the bat. It's well played by the bees. Played square. They run for Shoaib. He get two. Third over in operation. Lay outside the stump. Full toss. And should have taken a little by surprise. It must have slipped, that ball. It's a single. Over pitch, driven, single, no overthrows. So some action. It's a run for a base. It's chase for Shastri. They've taken two. They go through for the third. यह है बॉलिंग का तजिया. प्रभाकर ने पांच ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, उसके राजदान ने 4 ओवर में 13 रन. परवेज, ये मैं बशीर भाई जैसे अभी कह रहा था कि इस विकेट के ऊपर चूंकि मॉइस्चर था, सुबह आसमान पे बादल भी छाए हुए थे, तो इंडियन बॉलर्स को चाहिए था कि वो आगे अपनी गुड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करवाते, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने शॉर्ट बॉल किए या ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करते रहे, जिससे पाकिस्तानी बैट्समैनों को सेट होने का मौका मिल गया है. और एक और जोरदार ड्राइव, और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की टीम का स्कोर बढ़ता जा रहा है. बहुत खूबसूरत शॉट बावजूद पाकिस्तान की टीम रमीज राजा, शोएब मोहम्मद, सलीम मलिक, जावेद मियादाद, सईद अनवर, इमरान खान, सलीम यूसुफ, अब्दुल कादिर, वसीम अकरम, वकार यूनस और आकिब जावेद. भारत की टीम में एक तब्दीली है, कपिल देव की जगह अंकोला. और ये आउट होने का खतरा, रमीज राजा आउट. शास्त्री जो नए बॉलर थे अंकोला की जगह आए, उन्होंने शॉर्ट बॉल की. रमीज राजा ने ऑन साइड पे ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, ठीक तरह से बॉल उनके बैट पे नहीं आई और रमीज राजा आउट.
रमीज राजा जारहाना अंदाज से एतमाद से उन्होंने खेलना शुरू किया था। नहायत शानदार चौके लगाए, रमीज राजा आउट हुए, पाकिस्तान का स्कोर 45। और नए खिलाड़ी आए हैं सईद अनवर। और गुजरांवाला में जैसे हम सब ने देखा था, इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर इस काबिल हो गया था कि वो इंडिया को एक फाइट दे सके, और इस तरह पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। और उस मैच में आपको याद होगा कि इनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला था। सईद अनवर का पहला रन, शास्त्री बहुत अच्छा कट किया, शोएब मोहम्मद, अजहरुद्दीन बड़ी तेजी से आए, लेकिन डबल स्किप के बॉल किरण मोरे के हाथ में वापस आती, 3 रन का इजाफा। शानदार शॉट, और देखना यह है कि बाउंड्री लाइन के चंद कदम अंदर रन आउट। हिचकिचाहट, तजब्जुब, फैसला ना कर पाए दोनों बैट्समैन, और इस तरह से। लेकिन बेसिकली बशीर में अंपायर ये पूछने के लिए गए हैं कि क्या बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई थी या नहीं। यही चीज़ मैं कह रहा था बशीर के, बेसिकली बैट्समैन ये जो रन आउट हुआ है वहाँ पे, क्योंकि कुछ गलतफहमी हो रही थी कि बॉल जो है वो गालिबन बाउंड्री लाइन को पार कर चुका है जब उन्होंने रोका था उसको। लेकिन ये देखिए रिप्ले में शॉट लगाई है, और बोला स्लिप किए हैं, और साफ ये उन्होंने जब रोका है तो ऑलरेडी उनका पांव जो था वो रोप को टच करता हुआ बाहर निकल चुका हुआ था। तो असूलन ये रूल्स के मुताबिक 4 रन होनी चाहिए थी। बड़ा ये देखिए बड़ा साफ है ये तो कि इसमें, और मेरा ख्याल इस किस्म की स्टैंडर्ड की क्रिकेट में फील्डर को खुद ही रूल्स रेगुलेशंस का पता होता है, उसको खुद ही मान लेना चाहिए कि ये 4 रन थी। सईद अनवर 7 रन बनाकर आउट हुए। सलीम मलिक हैं नए बैट्समैन। अच्छा रन, सलीम मलिक का पहला रन, 20वां ओवर जारी है। और रन आउट होने का खतरा, रन आउट। इस रन आउट को तो परवेज खुदकुशी के मुतरादिफ कहा जा सकता है। मैं यही बात पहले बयान कर रहा था कि रन जरूर लें लेकिन रन आउट होने की कोशिश मत करें, और वही हुआ है कि आखिर में शोएब जो कि बहुत वेल सेट थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने एक रन लेने की कोशिश की जो कि उनको नहीं लेनी चाहिए थी, और उस कोशिश में रन आउट हो गए। बेसिक का असूल तो यही होता है कि भाई आप विकेट पे खड़े रहें, रन्स खुद ब खुद बनती जाएंगे। ये देखिए पहला रन आउट बच गया क्योंकि वो विकेट में पहुंच चुके थे और काफ़ी आगे निकल चुके थे। सलीम मलिक ने उनको बुलवाया, लेकिन उनको चाहिए था कि ना कर देते क्योंकि उनको 22 यार्ड्स की बजाय ऑलमोस्ट कोई 26 यार्ड भागने पड़े, और इसलिए वो विकेट के ऊपर पहुंच नहीं पाए। आई थिंक इनफ हैज बीन सेड अबाउट सईद अनवर रन आउट। रन आउट totally unnecessary. Second run, it's on collar.
has gone. The end of Wasim Akram bowled. So India now tightening their grip on this match. 71 for 4. Yes, completely. Taken. This is up in the air. Rajdhan's getting under it, but he's not going to get it. That was would have been not just spectacular, it would have been a miraculous catch. It was not catch. Yes. No ball. This time umpire Shakurana was right. Quite right, yes. Very correct. Yes, yes. There it is. It's signal for a no ball. Perfectly right. And Sidhu catching it. 106. Aur zordar hit. Out hone ka khatra. Aur Salim Malik out. 29 रन बनाकर सलीम मलिक आउट हुए. लेकिन पाकिस्तान को जब सुबह बैटिंग शुरू की, ये देखिए बहुत अच्छा जज कैच किया और आई ऑन द बॉल और पूरी ये देखिए फिर सलीम मलिक ने बैट फुट पे पुल किया और फील्डर की तरफ देखें भाग रहे हैं लेकिन आई ऑन द बॉल और हेड को सीधा और बड़ा अच्छा जज कैच किया शास्त्री ने. नए खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान. इस मरतबा कामयाबी हुई. अजरुद्दीन ने फील करने की कोशिश की, बॉल उनसे दूर थी. एक रन बनाया इमरान खान ने और इस मरतबा उन्होंने जोरदार हिट लगाई मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से. पूरी तरह से बॉल उनके बैट पे नहीं आई. जोरदार वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छक्का लगाना चाहते हैं. जोरदार हिट लेकिन सीधी डीप स्क्वायर लेग पोजीशन फील्डर के पास. एक रन. 35वें ओवर की पहली बॉल थी जो प्रभार करने की. प्रभार कर का ये 7वां ओवर है. जोरदार हिट और कैच पकड़ा सिद्धू ने सीधा हाथ में. सरफराज, इमरान खेलना चाहते थे डी मिड ऑन की तरफ से और तेज रन की कोशिश में वो छक्का लगाने के लिए आगे बढ़े और मिडल ऑफ द बैट खेला और ये गेंद ज़्यादा ऊंचा हवा में इसलिए गया कि चूंकि विकेट बड़ी स्लो है और मीट ऑफ द बैट इतना आसानी से नहीं हो सकता. ये देखें स्लो मोशन में गेंद किया और ऑफ स्टंप से ऑन की तरफ खेला डी मिड ऑन की तरफ लेकिन सिद्धू ने बड़ा उमदा वेल जज कैच. एक आसान कैच. जोरदार हिट और 4 रन. बहुत अच्छा शॉट. सिद्धू ने जावेद मियांदाद का कैच पकड़ा थर्ड मैन पोजीशन पर. काफी ऊंचा शॉट था. दूसरी मरतबा सिद्धू ने ये कैच पकड़ा. चार अशारिया 0.3
औसत पाकिस्तान की। 4 ओवर बाकी हैं, 24 बॉल। कैच पकड़ने में कामयाब हुए है। सलीम यूसुफ ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के 8वें खिलाड़ी आउट। वाइड बॉल, पाकिस्तान 146, 8 विकेटों के नुकसान पर। ये लगता है कि इस विकेट पर स्कोर करना इतना आसान नहीं अगर लाइन और लेंथ को मेंटेन किया जाए। भाकर वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा, 148। बिल्कुल ठीक फैसला, ऑफ स्टंप के बाहर था गेंद और ज्यादा बाहर निकला और बैट्समैन को कोई चांस नहीं था कि इस गेंद को खेला जा सकता और बहुत अच्छा फैसला अंपायर का। 148, 8 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त दोनों खिलाड़ी बगैर किसी स्कोर के, कादिर और वकार यूनुस। बहुत अच्छा शॉट खेला इस मरतबा, फिर गलत फहमी पैदा हुई लेकिन मनिंदर ने चूंकि विकेट कीपर की तरफ थ्रो फेंका था इसलिए पहुंच गए दोनों। 30 रन मियादाद ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हालात के पेश नज़र। इमरान खान 14 रन, सलीम यूसुफ 3 रन, कादिर बगैर किसी स्कोर के रन नॉट आउट, वकार यूनुस भी नॉट आउट रहे और इस तरह से पाकिस्तान का स्कोर 150, 37 ओवर खेले गए। द बिहेवियर ऑफ द विकेट विल बी द सेम and it will play a bit slow but it will have a varied bounce. Imran now coming in to Seika. To Lamba. It's a good shot. Very fine shot, very finely played, 4 runs. That was a short delivery. Or their margin. Afghan LBW. That's the end of Lamba. Lamba again. Yes, plumb out. He hadn't gone that forward. Yes. And seen the two sides after 7 overs. Oh, it's ball. Could be close. Had he hit the stumps, that would have been close. Well fielded by Shoaib again, and that's very nearly a run out. That's brilliant fielding by Shoaib. Absolutely brilliant. Sidhu very lucky. Turns the face of his bat. There is Shoaib's throw. And was he in? Well, well. Like to see that again. I think Sidhu is lucky. Yes, very lucky indeed. Bahut acha caught and bowled Imran Khan ka. Lajawab. Ba kamal catch. Aur ye dekhiye tamashaiyon ki purjosh gade tehseen. जीतना बशीर बहुत ही उमदा, बहुत खूबसूरत कैच इमरान ने किया। उन्होंने बॉल के ऊपर अपनी नज़र को कायम रखा और डाइव लगाते हुए उस कैच को बहुत
अच्छे अंदाज से पकड़ा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की फील्डिंग होती रही, इस तरह की बॉलिंग होती रही जैसे कि इस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच क्यों ना जीते। बैट्समैन के लिए लाइन को जज करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो यकीनन इन हालात में कामयाब होंगे। पाकिस्तानी बशीर बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग अब्दुल कादिर की, एक यकीनी चौका बचाया अब्दुल कादिर ने। जोरदार शॉट, कादिर ने डाइव लगाई लेकिन बॉल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। चार रन। जोरदार हिट, पहली मरतबा, बहुत अच्छी फील्डिंग। आठ विकेटें बाकी हैं, 104 रन चाहिए 20 ओवर्स में, 151 रन बनाने हैं भारत की टीम ने मैच जीतने के लिए। इस सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की सबकत हासिल है। ये चौथा और आखिरी एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच। The drinking interval has been in progress for about 4 or 5 deliveries in which we also have seen the dismissal of Manjrekar. Just caught. The number of times he's beaten Sirikanth, the conditions, it's overcast, it's seeming, the ball is wobbling about. Quick single, shy of the stumps, direct hit, but he was comfortably home. But still the action is there for this crowd, as you can see, it's absolutely ecstatic. That's a good shot. That's the shot he's been trying to play, that's 4 runs. That's more like Sirikanth. Yes, this one he really middled. Look out, LBW. Sirikanth gone. But the umpire changes the decision. Yes. Because Sirikanth did say, he indicated that he had played the ball, had been given out, and then he made a little bit of a fuss, was asked to come back. It was a very sporting gesture. And then the very next ball he was out. Yes. This time he had no complaint. Very sporting indeed. Up in the air, but safe enough, 4 runs. And he made that stroke without looking at it. And there was a straightforward catch. Waited for it. See that again. He turned out the wrist, played it uppishly, and there was Saeed Anwar waiting for it at short mid wicket. 17 for 5, and this is Prabhakar coming in. And bowled him! Superb delivery. My word. I'm not going to compete against that. That one moved in. And also had the edge of his bat. Superb delivery. That's Prabhakar. Bowled first ball. Aakib Javed on a hat-trick. Let's see the replay of the dismissal. A superb delivery. Yes. Through the gate. Yes, he got an edge.
inside edge, and there's this off stump pushback. Let's see it again. Through the gate. That ball came in. Beautiful ball. Really good bowling by Aqib Javed. He's moved the ball very tough indeed. He's a good batsman. Gutsy. In the 24th over. Chopped down to third man, a single. This is the 26th over being bowled. And here's the asking rate, 6.11. So India's job becoming a little more difficult. It's up in the air and he's gone. Caught. That's the end of Kiran Moray. Caught by Carter. Good catch. Good catch. That's what I call taking the bat away from the body. Therefore, there is no control of the batsman over his bat. It's out. Ankola gone, first ball. A very good catch by Salim Yusuf. और शास्त्री रन आउट और आप पाकिस्तान की रिप्ले पैड से लगा और ये शुएब मोहम्मद का थ्रो आज बड़े अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। फुल टॉस और महेंद्र सिंह ने बहुत उम्दा शॉट खेला कवर और एक्स्ट्रा कवर पोजीशन के दरमियान चौका। एक और जोरदार हिट, एक रन बना। सही रन बरते फील्डर, 97 भारत का स्कोर। राजदान की के जोरदार हिट लगाए, उनको कामयाबी नहीं हुई। इस मरतबा एक रन बनाने में कामयाब हुए और इमरान खान फील्डर। आउटफील्ड भी काफ़ी स्लो, जिससे आसानी से चार रन नहीं हो सके इस ग्राउंड पर। वसीम अकरम, बहुत उम्दा शॉट, बहुत नहायत शानदार, बहुत खूबसूरत बॉलर्स बैक ड्राइव। कोई मौका नहीं था कादर के लिए या वसीम अकरम के लिए बॉल रोकने का। चार रन। इस मरतबा कामयाब हुए, अच्छा शॉट लगाया और बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई। यह है भारत का 110, 9 विकेटों के नुकसान पर। और पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान की कामयाबी। भारत की टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने 150 रन बनाए थे। कादिर को इस मैच में पहली विकेट मिली, सलीम यूसुफ ने उनको स्टंप किया। 38 रन से जीता। ये है देखिए भारत का स्कोर कार्ड। श्रीकांत ने 31 रन बनाए, लांबा ने 7 रन, सिद्धू 1 रन, मंजरेकर 13 रन, अजहरुद्दीन 4 रन, शास्त्री 12 रन, प्रभाकर 0, मोरे 6 रन, अंकोला 0, राजदान 18 रन और महेंद्र नॉट आउट रहे, उन्होंने 1 रन बनाया, फाजिल रन 18। भारत का मजमू स्कोर 112, 30.2 ओवर में। पाकिस्तान ने 150 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग
आज इमरान खान, और यह है बॉलिंग का तजिया।